अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे और हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज की अच्छी बात के साथ मैं अपना लेसन स्टार्ट करूँगी। आज की अच्छी बात मेरी ये है, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है इसे दीन की समझ अता कर देता है। आज के लेसन में मैं आप लोगों को ये स्क्वायर बताऊँगी। ये स्क्वायर बहुत ही ईजी बना हुआ है। ये जस्ट डबल क्रोशिया और ट्रबल क्रोशिया से बना है। ये स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है और इसको मैं बनाऊंगी 4 ply यार्न से और ब्लू कलर से और 4 mm क्रोशिया हुक से बनाऊंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर बनाना। ये हम ब्लू कलर से बनाएंगे। ये देखिए ब्लू कलर से यार्न से बनाएंगे। ये देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये रिंग बन गई और मैजिक रिंग बनाने के लिए हम इसको सिक्योर करने के लिए मैं इसके ऊपर 2 chain बनाऊंगी, 1 और 2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर स्टिच बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ट्रबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए ट्रबल क्रोशिया के लिए हम 2 times यार्न ओवर करेंगे, 1 और 2। ये देखिए ये 4 loops बन गए। 2 loops को मैंने 1 कर लिया, फिर 2 loops को 1 कर लिया, फिर 2 loops को 1 कर लिया। ये बन गया मेरे ट्रिबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए एक ट्रिबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं बनाऊंगी 3 double crochet। ठीक है, ट्रिबल क्रोशिया के लिए मैंने 2 times यार्न ओवर किया था और डबल क्रोशिया के लिए मैं 1 time यार्न ओवर करूँगी। ये मैंने बना लिया 2 double crochet। ये देखिए 2 double crochet बना लिया। अब मुझे 1 more double crochet बनाना है। ये देखिए ये मैंने 3 double crochet बना लिया। स्टार्ट में मैंने 2 chain ली थी, फिर 3 double crochet बनाया, फिर 3 double crochet बना लिया। ठीक है, इस तरह से फिर मैं 3 double crochet बनाऊंगी। इसी तरह से मैं बनाते जाऊंगी। फिर मैं 3 double crochet बनाने के बाद फिर 3 double crochet बनाऊंगी। ये देखिए 2 times मैंने यार्न ओवर लिया। ये देखिए पहले मैं 2 में से निकालूंगी। ठीक है, फिर मैं 2 में से निकालूंगी। ठीक है, फिर मैं 2 में से निकालूंगी, 2 loops में से निकालूंगी। ये बन गया मेरा ट्रिबल क्रोशिया। ट्रिबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 double crochet बनाएंगे। देखिए 1 double crochet, टू डबल क्रोशिया और 1 more double crochet। ये बन गए 3 double crochet। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। पहले 3 double crochet बनाएंगे, फिर इसके बाद 3 double crochet बनाएंगे, फिर 3 double crochet, फिर 3 double crochet, 3 double। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ तक के बना के आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 chain बनाएंगे। ठीक है, 2 chain बना के फिर सबसे पहले हमने 3 double crochet बनाया था, तो 3 double crochet के में हम अब कॉर्नर बनाएंगे। अब कॉर्नर इस तरह बनाएंगे। ये देखिए 2 double crochet बनाएंगे कॉर्नर में, इसमें 3 double crochet में कॉर्नर बनाएंगे, सॉरी यार्न ओवर करके, यार्न ओवर।
वन डबल क्रोशिया इस तरह बन गया। ये देखिए कॉर्नर बनाने के लिए पहले मैंने वन डबल क्रोशिया बनाया और ये सेकंड डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ये मेरे दो डबल क्रोशिया बन गए। फिर इसके बाद मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया के लिए हमने वन टाइम यार्न ओवर किया था और ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम टू टाइम यार्न ओवर करेंगे और फिर इसी स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए टू में से निकालेंगे, पहले टू लूप्स में से निकालेंगे, फिर टू लूप्स में से निकालेंगे, फिर टू लूप्स में से निकालेंगे। ठीक है, ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर वन ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर बन गया। ये देखिए जहाँ हमने नीचे ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, ट्रिपल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाया, ये इस तरह से एक कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब जहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि इसी तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया पे कॉर्नर बनाते जाए। ठीक है, फिर ये कॉर्नर बनने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन टू थ्री, थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया आ गया, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया पे कॉर्नर बना लेंगे इसी तरह से। ठीक है, टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर कॉर्नर में इसी तरह से बनाएंगे, टू टाइम डबल क्रोशिया, वन ट्रिपल क्रोशिया, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया इसी तरह। ये देखिए इसी तरह से बनाएंगे। ये मैं दूसरा कॉर्नर बना रही हूँ। टू डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी टू टाइम यार्न ओवर करके। ये देखिए टू लूप्स में से ले लेंगे सबसे पहले, पहले फिर टू लूप्स में से ले लेंगे, ये देखिए टू टाइम मैंने टू लूप्स में से ले लिया, ये लास्ट टू लूप में से लेंगे, थ्री टाइम टू लूप्स में से लेंगे, ये इस तरह बन गया ट्रिपल क्रोशिया। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद इसी में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वन टाइम, ये देखिए इसमें बनेगा वन मोर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये एक कॉर्नर बन गया। इसी तरह से मैं डबल ट्रिपल क्रोशिया पे मैं पिन लगा लूंगी। ये देखिए इसी तरह से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बनाने के लिए फिर पहले टू डबल क्रोशिया लेंगे, फिर वन ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, तो इस तरह से कॉर्नर बनेगा। फिर कॉर्नर बनाने के बाद थ्री टाइम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे, वन एक एक वन टू थ्री, फिर इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया पे फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड यहाँ तक के कम्प्लीट करेंगे। मैं पूरा राउंड कम्प्लीट करके आप लोगों को बताती हूँ।
ये देखिए सेकेंड राउंड मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने हर कॉर्नर पे निशान लगा लिए, इसके फोर कॉर्नर मैंने। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करूँगी, थर्ड राउंड भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। थर्ड राउंड बनाने के लिए सबसे पहले मैं चेन बना लूँगी, दो चेन बना लूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैं थ्री डीसी बनाऊँगी, थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं इस तरह से। ये देखिए थर्ड राउंड मैंने स्टार्ट किया। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले दो चेन बनाई, ठीक है। दो चेन बनाने के बाद फिर मैंने दो डबल क्रोशिया बनाया। अब मैंने जो कॉर्नर पे ये जो निशान लगाए थे ये निकाल के मैं ट्रिपल क्रोशिया पे कॉर्नर बनाऊंगी इसी तरह से, जिस तरह हमने पिछले राउंड में बनाया इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया इस पे मैं बनाऊंगी दो डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से थर्ड राउंड भी इसी तरह से हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर टू टाइम यार्न ओवर करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर बना के इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टेज में, नेक्स्ट कॉर्नर तक के डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने थर्ड राउंड स्टार्ट किया था, थर्ड राउंड भी मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया। कॉर्नर पर अपने कॉर्नर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर कॉर्नर बनाऊंगी, इसी तरह से थर्ड राउंड भी हम बनाएंगे और पूरे फोर्थ राउंड में ये कंप्लीट होगा। फोर्थ राउंड बनाऊंगी मैं, ये राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को बताऊँगी। ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, ये देखिए थर्ड राउंड इस तरह से कंप्लीट हुआ। हर कॉर्नर पे मैंने निशान लगाए हुए ताकि कॉर्नर के ऊपर मैं कॉर्नर बना सकूं। अब मैं लास्ट फोर्थ राउंड बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया, ये देखिए ये मैंने बहुत ही इजी स्क्वायर बनाया है, देख लें। सिर्फ डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया से बना, लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच लगा के इसका मैं थ्रेड को कट कर लूंगी इस तरह से। फिर मैं ये पिंस रिमूव कर लूंगी, बहुत ही इजी स्क्वायर बनाया है मैंने। इस तरह ये लास्ट के थ्रेड को हम सेव कर लेंगे।
देखिए स्क्वायर मेरा बहुत ही नीट एंड क्लीन बना है, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। सिर्फ जस्ट मैंने डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया से बनाया है और देख लें आप लोग इसके टांके करीब से बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाई है। मैंने 4 प्लाई यार्न से बनाया है और 4 mm क्रोशिया नीडल से बनाया है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक की मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।